नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए, कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564809906089745235 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे यूपीपीएससी प्रीलिम्स की क्विज हम जो देख रहे हैं लगातार कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। एडमिशन वगैरह की जानकारी अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो का खोल करके देखिएगा, हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल वहाँ पर दी हुई है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पूछा गया है कि अलकनंदा और भागीरथी, ये दो नदियाँ जो हमारी हैं उत्तराखंड में, ठीक, तो इनका जो संगम होता है फिर आगे वो स्ट्रीम कंटिन्यू होती है, तो उस स्थान को हम किस नाम से जानते हैं? ठीक है, तो ये देवप्रयाग में मिलती हैं। ठीक है, जितने भी प्रयाग उत्तराखंड में बनते हैं इन सब की लिस्टिंग प्लीज़ ध्यान से पढ़ें। अभी लास्ट जो 2023 का भी प्रीलिम्स हुआ है उसमें भी इससे क्वेश्चन, हमें लगता है सेम यही क्वेश्चन ही शायद आया था। ठीक है, तो इस वजह से इसको पढ़ना ज़रूरी है। नेक्स्ट है, नाथपा झाकरी एक जल विद्युत संयंत्र है, इसका निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में है ये, और हिमाचल में कौन सी रिवर है हमारी? सतलज। ठीक, निम्नलिखित में से एशिया से संबंधित इसमें से क्या नहीं है? तो ये बेसिकली रिवर के नेम लिखे हुए हैं इसमें, जो नाइजर रिवर है ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, अमूर, लोपनोर, टिग्रिस, है ना, ये सब जो है हमारे एशिया में है। जैसे कि टिग्रिस जो है ये देखेंगे तो मेजर लीज का जो बेसिन है ना, ये इराक वगैरह के रीजन में है। बाकी जो अन्य दो नदियां हैं ये चाइना से संबंधित हैं। नेक्स्ट है, इसमें सुमेलित क्या नहीं है? कैपिटल्स लिखी हैं और कंट्री, तो इसमें सी ऑप्शन हमारा जो है सही नहीं है। इथियोपिया की कैपिटल जो है वो अदीस अबाबा है, ठीक है, अफ्रीका में, और लुसाका जो है ये कैपिटल है किसकी? जाम्बिया की। ठीक है, तो इन दोनों को ध्यान रखेंगे, अन्य विकल्प ठीक हैं। अंतस्थलीय अपोहन नदी का उदाहरण बताना है, तो ऐसी कोई रिवर जो अन्य किसी लार्ज वाटर बॉडी में जाकर के समाप्त नहीं होती, है ना, उसकी हमें यहाँ पे खोज करनी है। तो नॉर्दर्न इंडिया में हमारी जो घग्गर रिवर है ये एक प्रकार से मॉनसूनल रिवर है और इनलैंड ड्रेनेज है इसका। ठीक है, किस राज्य में नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र अवस्थित है? देखिए, इंडिया के जो कोल रिजर्व्स हैं या फिर जो अन्य मिनरल के साइट्स हैं, इसके अलावा जो फेमस वर्ल्ड में भी मिनरल के साइट्स हैं, ठीक है, ये भी यूपीपीएससी में पूछा जाता है, इसके बारे में भी पढ़ना है, तो फिलहाल ये वाला जो है अरुणाचल प्रदेश में है। टाइगर रिजर्व और स्टेट की लिस्ट दी है, कौन सा सुमेलित नहीं है? देखते हैं, औरंग जो है मणिपुर में नहीं, असम में है, ठीक, पक्के अरुणाचल प्रदेश, ये वाला ठीक है। इसके अलावा जैसे नामेरी, ये भी असम में है, वाल्मीकि उत्तर प्रदेश में नहीं, ये बिहार में है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी FDI और FII इससे संबंधित है? तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, इन दोनों विषयों पे एक समिति बनी थी लगभग 2013-14 के दौरान, अरविंद मरियम समिति, ठीक है, या माया राम भी इनका नाम कई बार लिया जाता है। तो इन्होंने इनसे संबंधित कुछ रिकमेंडेशन दिए थे, जो ये लिमिट्स है ना इन्वेस्टमेंट की, उसके रेफरेंस में। अब देखिए, कुछ हमारे पास घटनाएं हैं उनको कालक्रम में व्यवस्थित करना है। साइमन कमीशन की नियुक्ति, जलियांवाला बाग हत्याकांड, महात्मा गांधी की दांडी मार्च और फिरोज शाह मेहता इनकी मृत्यु, तो ये जो है एक पारसी जो हमारे पॉलिटिशियन और लॉयर रहे, बॉम्बे से संबंधित है ये, ठीक है, तो जो है फाउंडिंग मेंबर थे ये उसके, कांग्रेस के भी, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। इनकी डेथ का ईयर है 1915, ठीक है, सबसे पहले इसमें यही इवेंट होगा, सेकेंड इसमें क्या हो जाएगा, जलियांवाला बाग 1919, थर्ड हो जाएगा साइमन कमीशन 27 और दांडी मार्च 1930, ठीक है, तो 4, 2, 1 और 3 ये हमारा कोड बनेगा इसमें। फिर से कुछ घटनाएं हैं कालक्रम में व्यवस्थित करना है, तो इसमें जो है तीस, ठीक है, तो इसमें आंसर बन जाएगा हमारा 4213, ठीक है,
इस तरीके से आदत है, ये इसी तरीके से क्रोनोलॉजी अक्सर पूछी जाती है, तो प्लीज़ जितने भी इवेंट्स हैं कम से कम उसका वर्ष आपको याद रहेगा, तो यहाँ पे एक दो भी याद रहेगा तो आप कोड में से चूज़ कर सकते हैं। कुछ हमारे पास एनवायरनमेंट से संबंधित कन्वेंशन प्रोटोकॉल्स हैं, उसमें से क्या विषय है उसका, उस रेफरेंस में क्या मैच नहीं है देखते हैं। इसमें क्योटो प्रोटोकॉल वाटर के लिए नहीं, बल्कि ये जो है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन है उसका रिडक्शन के बारे में है। ठीक, कब अडॉप्ट हुआ ये? 1997 में, इसको भी ध्यान रखें। अन्य ऑप्शंस ठीक है, इनको देख लीजिए एक बार। कुछ मॉन्यूमेंट और हैं, और कब वो बने उस हिसाब से कालक्रम चुनना है। देखिए, सल्तनत काल में सबसे पहले बना अटाला मस्जिद जौनपुर में, ये सबसे पहले हो जाएगा। उसके बाद शेरशाह सूरी का मकबरा जो बिहार में है सासाराम में, ये हुमायूं के टाइम पीरियड में इसका निर्माण हुआ। ठीक, फिर जो है हुमायूं का मकबरा बनता है दिल्ली में, यानी कि तीन। और राबिया दुर्रानी का मकबरा जो औरंगाबाद में है, ये बेसिकली जो औरंगज़ेब की वाइफ है ना, जो ये बीबी का मकबरा आप जिसको कहते हैं उसी का दूसरा नाम है राबिया दुर्रानी का मकबरा, क्योंकि यही इसकी वाइफ का नाम था। ठीक है, फिर आ गया 14231। ठीक, यहाँ पे देख लीजिए एक बार। फिर से कुछ घटनाएं हैं, इसको भी व्यवस्थित करना है। देखिए, महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किए, तो आज़ादी के बाद जो प्रिंसली स्टेट्स का कह लीजिए यूनिफिकेशन हो रहा था इंडियन यूनियन में, तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर के जो उस समय के प्रिंसली स्टेट के रूलर थे महाराजा हरि सिंह, तो इनके साथ एक भारत सरकार ने अग्रीमेंट जो किया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के नाम से हम जिसे जानते हैं, तो इस पर सिग्नेचर हुए थे 26 अक्टूबर 1947 को। ठीक है, संविधान भारत का लागू हो गया था पूरी तरीके से 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, ये दूसरा इवेंट हो जाएगा इसमें। ये बेसिकली क्रम से यहाँ पे चारों चीज़ें दी हुई हैं। तीसरा है जम्मू कश्मीर की संप्रभुता संविधान सभा के द्वारा भारत में प्रवेश की पुष्टि की गई, तो जो ये इन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जम्मू कश्मीर ने कंपनी जो है लेजिस्लेटिव ये या कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई, तो उन्होंने 1954 में है ना ये सॉवरेंटी को एक्सेप्ट करने वाला जो एक रेजोल्यूशन है उसको पास किया, मतलब रेटिफाई किया था, और जम्मू कश्मीर का राज्य का नया संविधान जो बन करके इन्होंने लागू किया, तो बन तो गया था ये नवंबर 1956 में, 26 जनवरी 1957 से लागू हुआ था। ठीक, तो यहाँ पे 1234 होगा, लेकिन अभी जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं आप जानते होंगे कि स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर का जो है वो स्क्रैप कर दिया गया है। अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आया जिसमें जो ये यूनियन टेरिटरी बनाए गए थे उसको कॉन्स्टिट्यूशनली जो है वैलिड माना है, और इस मतलब ये जो न्यूज़ है इसको भी कवर करते चलिए आगे। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र में एक ट्रॉफिक स्तर से दूसरे में स्थानांतरण के दौरान ऊर्जा की मात्रा क्या होती है। टेक्नोलॉजिकल पिरामिड में जैसे आप देखते हैं कि जैसे मान लीजिए है ना प्राइमरी हमारा ट्रॉफिक लेवल, सेकेंडरी टर्शरी ऐसे हम देखें, तो अगर मतलब प्राइमरी में मान लीजिए 100 यूनिट ऊर्जा है, ठीक, ये मतलब एनर्जी जब ट्रांसफर होगी, ठीक है, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल में, तो 90% ऊर्जा जो है वो कंज्यूम हो जाती है, सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है। तो यहाँ पे वही जो क्वेश्चन में पूछा गया है, तो क्या होगा इस स्थिति में, ऊर्जा हमारी घट रही है ना, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, और इसी को 10% रूल भी कहते हैं। हो सके तो थोड़ा जो है इसको भी पढ़िए। दो सूची फिर से हैं, साम्राज्य कुछ हैं एंशियंट और उनकी जो कैपिटल रही, ठीक है, तो चोल से संबंधित हो जाएगा हमारा क्या, ठीक है, फिर आ गया हमारा क्या पांड्य, ठीक है, पांड्य हो जाएगा मदुरई, यहाँ पे चौथे नंबर में है, देखिए, ठीक है, फिर बच गया चेर, तो चेर से संबंधित हो जाएगा हमारा ये वांची, और बच गया लास्ट क्या पल्लव, ठीक है, पल्लव से हो गया क्या कांचीपुरम। ठीक, तो इस हिसाब से हमारा कोड बनेगा 2413। दो कथन हैं, एक कथन और कारण, उसको देखते हैं क्या सही है। पहला है शेरशाह ने राज्य की मुद्रा को विनियमित करने का प्रयास किया, तो ये कथन ठीक है, इसने रुपया चलाया था, जानते हैं आप, काफ़ी फेमस था, और मनी को एक तरीके से यहाँ पे रेगुलेट करने का प्रयास किया, बिल्कुल ठीक है, मतलब पहला कथन हमारा ठीक हो जाएगा। कारण इसका बताया गया है कि क्योंकि शेरशाह की मुद्रा में अकबर के समय का तांबे का सिक्का दाम था और यह मुख्य मुद्रा थी। बात यह गलत है क्योंकि शेरशाह सूरी और हुमायूं ये सब जो है समकालीन रूलर थे,
हुमायूं के बाद जो है अकबर आता है तब तक में शेरशाह की मृत्यु हो चुकी होती है। तो ये कारण तो सरासर गलत हो गया, तो सिर्फ हमारा जो है अभिकथन ए सही है। इसमें देखिए हाथ योग यहाँ थोड़ा सा करेक्शन करेंगे, हठ योग होगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसके अनुसार इस स्टेटमेंट को समझिएगा, टाइपिंग मिस्टेक है। तो इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ठीक। तो बेसिकली देखिए मध्यकाल में नाथपंथी धार्मिक लोगों का एक समूह होता था, ठीक। ये लोग जो है मतलब भगवान में विश्वास करते थे लेकिन मंदिरों में पूजा पाठ नहीं करते थे। तो उन्हीं के द्वारा इनका मानना ये था कि मुक्ति का जो मार्ग है ना, वो निराकार की प्राप्ति और ध्यान तथा योग से ये चीज़ें प्राप्त हो सकती हैं। तो योगिक क्रिया का ही रूप था एक हठ योग, ठीक है। तो इसका अभ्यास ये लोग करते थे नाथपंथी। और उसी समय जो सूफीवाद था, तो सूफीवाद के लोगों ने भी जो है इन्होंने भी हठ योग को जो है अपनाया था। तो ये बात भी ठीक है, दोनों कथन ठीक हो जाएंगे हमारे, ऑप्शन सी। राष्ट्रीय पंचांग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ठीक है। देखिए जितने भी नेशनल हमारे चिन्ह हो गए, फ्लैग है ना, कैलेंडर, ये सब की डेट प्लीज रट लीजिए, इसमें से एक नया क्वेश्चन हर साल आता है, ठीक। तो भारत का जो नेशनल कैलेंडर है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर जो इंग्लिश वाला है वो नहीं है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे हम, शक संवत वाला जो कैलेंडर है चैत्र मास से जो स्टार्ट होता है उसको फॉलो करते हैं, ठीक है। तो पहला कथन गलत है क्योंकि यहाँ पे विक्रम संवत लिखा है, ये शक संवत पे आधारित है। सेकेंड है, राष्ट्रीय पंचांग 26 जनवरी 1950 से अपनाया गया है, ये बात भी गलत है क्योंकि जो हमने पंचांग अपनाया है ना कैलेंडर, वो 22 मार्च 1957, ठीक है, ये डेट याद रखेंगे। तो इसमें गलत हैं दोनों, सही कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है, स्टैलेक्टाइट और स्टैलेगमाइट ये किसके निक्षेपण स्थल रूप हैं। तो बेसिकली जो हमारा ये कह सकते हैं अंडरग्राउंड वाटर है, ठीक है, इसके डिपोजिशनल लैंडफॉर्म होते हैं ये। टर्म्स को याद रखिएगा, नाम जो ये दोनों लिखे हुए हैं। नेक्स्ट है, इजराह प्रणाली के बारे में जो कथन है उसमें से क्या सही नहीं है। बहुत ध्यान से देखिएगा ये सब क्या क्या पूछा गया है, ठीक है। तो इजराह या फिर इजारेदारी भी इसको कहते थे, ये सिस्टम एक लैंड रेवेन्यू का सिस्टम था, ठीक है। जो पहला कथन कह रहा है कि यह भारत में राजस्व कृषि प्रणाली का एक रूप था और इसे हुमायूं ने पेश किया, ये गलत है। ये जो है वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में कह लीजिए स्टार्ट हुआ। तो दूसरा कथन गलत है। MACS 1407 किसकी अधिक उपज देने वाली कीट प्रतिरोधी किस्म है। तो पेस्ट रेजिस्टेंट एक वैरायटी है ये सोयाबीन की। कौन सा देश अरल सागर के निकटतम है। तो मैप पे लोकेट कर लीजिएगा इसको, कजाकिस्तान नॉर्थ में है और उज्बेकिस्तान साउथ में, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट। काली नदी से तीस्ता नदी तक का जो हिस्सा है हिमालय का वो किस नाम से जाना जाता है। तो हिमालय के ये सभी जो है पार्ट किसी न किसी रीजन के बीच के हिस्से हैं, तो इन सब के बारे में देखें, हो सके तो मैप पे भी देखिए। ये वाला हिस्सा हमारा नेपाल हिमालय है। उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते हुए निम्नलिखित द्वीप को व्यवस्थित करें। तो यहाँ पे जो आइलैंड्स लिखे हुए हैं, जापान के ये फेमस आइलैंड, इनको रट लीजिए, ये भी 2-3 साल में एक बार पूछ लेते हैं पीसीएस में, ठीक है। तो 4-5 हैं ये, ठीक है। जैसे यहाँ पे सबसे नॉर्थ में है ये होक्काइडो, ठीक है, होक्काइडो है, फिर होनशु, फिर शिकोकू आइलैंड, फिर क्यूशू आइलैंड और उसके बाद लास्ट में ओकिनावा। ये 4 जो 5 नाम है इन सबको ध्यान रखें। तो अगर यहाँ पे हमसे 4 पूछा गया है तो इस हिसाब से हमारा 4-2-3-1 नॉर्थ से साउथ की ओर जो क्रम है ये बन जाएगा। भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस वर्ष में लागू की गई। तो जो एजुकेशन पॉलिसीज अलग अलग प्राइम मिनिस्टर के समय पे इंट्रोड्यूस हुई, तो सबसे पहले 1968 में पहली पॉलिसी आई थी, सेकंड आई जो है 1986 में फिर, ठीक है, इस समय राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, और तीसरी भी हाल ही में आई थी जो है 2020 में, ठीक है। तो दूसरी पूछी गई है इसमें। निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति नहीं रहे, ठीक है। तो सबसे पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वेवी गिरी, फकरुद्दीन अली अहमद जो है ये ऑर्डर जाएंगे। कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है इसमें, ठीक है। केव्स जो लिखी हैं खंडगिरी और उदयगिरी केव्स, ये उड़ीसा से संबंधित हैं, ये वाला गलत है। बिजली का सबसे उत्तम चालक निम्नलिखित में से कौन सा है। तो
बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो आयंस को फ्लो कर सके बढ़िया से। अब इन ऑप्शंस में आप देखेंगे तो जैसे सी वाटर क्या है, हमारा सॉल्टी होता है, तो सी वाटर में हमारे क्या है, आयन प्रेजेंट होते हैं, जैसे किसके, सोडियम वगैरह के, ठीक है। तो ये जो है सबसे एक उत्तम चालक बनाता है इलेक्ट्रिसिटी को, तो ऑप्शन बी को चुनेंगे हम। इसमें से विटामिन सी का समृद्ध स्रोत, तो नींबू, संतरा, ठीक है, एक और तीन सिट्रस फ्रूट्स आप जानते हैं, जो भी चीजें हैं वो विटामिन सी के समृद्ध स्रोत होते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब किस टीम ने जीता? तो क्रिकेट का ये आयोजन होता है, डोमेस्टिक क्रिकेट का बेसिकली, ठीक है, और इसमें जो है अभी कंक्लूड जो हुआ है उसमें पंजाब विनर रहा है, ठीक है, जो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, हाल ही में विजाग नेवी मैराथन 2023 जो कि 8वां संस्करण था, कहां पर आयोजित हुआ? तो ये विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। हाल ही में 2024 एशिया पैसिफिक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट किस संस्था ने जारी किया है? तो यूएनडीपी के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट काउंसिल, डेवलपमेंट प्रोग्राम, सॉरी। नेक्स्ट है, एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, एम्पावरिंग द मार्जिनलाइज्ड थ्रू लीगल अवेयरनेस, ये थीम है हमारा राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस 2023 का। तो डेट ये बतानी है, तो थीम भी ध्यान रखेंगे, और ये प्रतिवर्ष ऑब्जर्व किया जाता है 9 नवंबर को। नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में रही कावाह इजेन क्रेटर झील किस देश में स्थित है? तो ये जो है इसमें जावा वाला जो पार्ट है ना इंडोनेशिया में, ऑप्शन सी। नवंबर 2023 में कोपेनहेगन डेनमार्क में आयोजित किए गए राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के 14वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की जो है मतलब सम्मेलन को संबोधित किसने किया? तो कुल मिला के भारत की तरफ से जो है हमारे जो ये है ना नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसके चीफ कौन है इस समय? जस्टिस अरुण मिश्रा। तो इन्होंने पार्टिसिपेट किया था और इन्होंने ही जो है यहाँ पे इसको संबोधित किया। तो यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे कि 14th एडिशन का है और कहाँ पे हुआ है, कोपेनहेगन में। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री, यहाँ पे होना चाहिए था, ठीक है, एक वर्ड मिसिंग है, कोई बात नहीं, इन्होंने नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के तहत भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड को लॉन्च किया है। तो भारत के जो ये कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री जो नई बनाई गई 2021 में, उसके मिनिस्टर कौन है? अमित शाह। तो इन्होंने ही इस ब्रांड को लॉन्च किया था, ठीक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भारतीय सेना की बात हो रही है कि चीता और चेतक जैसे जो हेलीकॉप्टर्स हैं, तो इनके जो पुराने बेड़े हैं इनको किस वर्ष तक चरणबद्ध तरीके से सेवा से हटाने पर विचार कर रही है? तो फेज आउट किए जाएंगे ये धीरे धीरे जो पुराने फ्लीट्स हैं चीता और चेतक हेलीकॉप्टर्स बाय ईयर 2027। दो सूची है बुक्स और राइटर की, उसको मैच करना है। ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, जवाहरलाल नेहरू, इंडिया इन ट्रांजिशन, एमन रॉय, भारत का आर्थिक इतिहास, आरसी दत्त, और इंडियन अनरेस्ट, वैलेंटाइन शिरोल, ठीक, इस हिसाब से हमारा ये उत्तर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? तो ये है चंद्रप्रभा, ठीक है, कहाँ पे है ये? चंदौली जिले में। 1957 के अराउंड इस्टेब्लिश हुआ था ये। तीन कथन है इसमें, क्या सही है ये देखना है। चंबल इटावा में यमुना से मिलती है, बेतवा औरैया में यमुना से मिलती है, ये वाला गलत है, बेतवा जो है हमीरपुर में मिलती है, ठीक है, और केन बांदा के पास, एक और तीन को चुनेंगे। भारत के महान्यायवादी के बारे में सही कथन बताने हैं, चार स्टेटमेंट है। तो अटॉर्नी जनरल के बारे में अगर हम देखें तो 76 के अंदर इसमें प्रावधान दिए गए हैं। योग्यता के संबंध में दूसरा कथन भी ठीक है। इनका कार्यकाल जो है निश्चित नहीं है, 5 वर्षों के लिए जो लिखा है ना यह गलत हो जाएगा। और अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं ना कि मुख्य न्यायाधीश, तो ये भी गलत है। तो सिर्फ एक और दो सही है। कुछ हमारे पास आंदोलन के नाम लिखे हैं, उसको कालक्रम में व्यवस्थित करना है, तो ये सब क्रम सही लिखा है। इनके वर्ष जरा आप हमें कमेंट करके बताइए। तो तीन स्टेटमेंट है इसमें, सही को देखना है। प्रवाल भित्तियां, ठीक है, कोरल रीफ्स के बारे में बात की गई है। तो अधिकांश कोरल रीफ्स उष्णकटिबंधीय जो रीजन के हमारे वाटर साइंस में पाए जाते हैं,
और एक तिहाई से अधिक ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया तथा फिलीपींस, ठीक है, इन क्षेत्रों में पाई जाती हैं। और उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की तुलना में प्रवाल वृत्तियाँ कहीं अधिक संख्या में जंतु संघों की मेज़बानी करती हैं, यानी कि जो नंबर ऑफ एनिमल फाइला के स्पेशीज़ हैं कोरल्स में ज़्यादा मिलेंगे इन कंपेरिजन टू ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो तीनों कथन ठीक है यहाँ पे। कोरल रीफ्स के बारे में थोड़ा अलग से पढ़िए, ये अक्सर चीज़ें पूछी जा रही हैं आजकल। जोहोर स्ट्रेट जो है किन दो देशों को अलग करता है? मैप पे लोकेट कीजिएगा सिंगापुर और मलेशिया। मानव शरीर में ल्यूकीमिया नाम का एक कैंसर हो जाता है कभी कभी किसी व्यक्तियों में, तो जिसमें क्या होता है कि असाधारण बढ़ोतरी होती है वाइट ब्लड सेल्स की संख्या में, ठीक है, एबनॉर्मल ग्रोथ, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति सिंधु सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो कुछ एविडेंसेस के आधार पर जिन जैसे ह्यूमंस के जो टाइप्स हैं उसमें से प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, मंगोलाइड, अल्पाइन, इन सबके साक्ष्य इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों से मिलते हैं, बट जो निक्रीटो है ना, इनके एविडेंसेस नहीं है। ये बेसिकली देखेंगे तो साउथ ईस्ट एशियन रीजन में पाई जाने वाली एक ग्रुप ऑफ एथनिक पीपल है, अभी भी जैसे पाए जाते हैं लोग, तो ये आउट हो जाएगा, ठीक है, इंडस वैली से संबंधित नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे इस वीडियो को हमने कंप्लीट किया है, इसके आगे से अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।